पे रखूंगा, चेक कर लीजिएगा। ये रखा मैंने वर्ड, और ये देखे मुंह से थोड़ी सी डिफरेंट भी निकल सकती कभी कभार, तो इसलिए ये विसल लाजमी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बताया, चाइना से ये मंगवानी पड़ती है, पाकिस्तान में नहीं मिलती। तो ये चीज़ होती है इसकी, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज अपने रिंगनेक्स को लेके आए हैं फिर बाहर फ्री फ्लाइट देने के लिए, और माशाल्लाह से हमारा एक वाइट भी उड़ना स्टार्ट कर दिया, वाइट रिंगनेक ने, और बहुत जल्द उसको भी बाहर लेके आया जाएगा। लेकिन उसके मेरा कोशिश है कि उसको डोरी के साथ पहले प्रैक्टिस करवाई जाए, उसके बाद इसको ओपन में छोड़ूँ, और उसके लिए बस रिंग बना रहा हूँ। रिंग बना के उसको बाहर एक दफ़ा डोरी के साथ लेके आएंगे, उसके बाद फिर उसको ओपन छोड़ेंगे। तो ग्रीन रिंगनेक को आज ओपन ही उड़ाने लगे हैं, तो ओपन उड़ाते हुए आपको दिखाते हैं इनकी प्रैक्टिस, ठीक है। और येलो भी इंशाल्लाह इन फ्यू डेज़ के अंदर येलो भी हमारे रेडी हो जाएंगे, तो उनकी भी आपको प्रोग्रेस ट्रेनिंग वगैरह आपको शेयर करते हैं। तो पहले आपको रिंगनेक दिखाते हैं, और इंशाल्लाह ये दोनों ही डिलीवर करने हैं लाहौर के लिए, और अलग अलग बंदों के पास जाने हैं, और दिखाते हैं इनकी प्रैक्टिस आपको। जी हमारा रिंगनेक फर्स्ट निकलने लगा है वायर, एक और सा आएगा, छोटा एक है इनमें और एक बड़ा है, ये मेरे ख्याल आई थिंक छोटा है, क्यों बड़ा है, बड़ा है ये, बड़ा है। और इसकी मैं ट्रेट एक दफ़ा ले लूँ, यहाँ बैठ, ये देखें, ये चेक करें माशाल्लाह से, फुल रिस्पांस चेक करें इसका, बहुत ही अच्छा कमाल का रिस्पांस है शहजादे का। और दूसरे को अभी फ्लाइंग उसने स्टार्ट की है, सही से फ्लाई नहीं करता, ये देखें माशाल्लाह, दूसरे ने अभी सही से फ्लाई नहीं स्टार्ट की, और इंशाल्लाह उसका भी रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। और ये देखें जी, ठीक है जी, इसकी टेल के दो तीन पर उतरे हुए हैं, और माशाल्लाह से ओपन एरिया है। इसी तरीके से छोटी छोटी फ्लाई करके ही पक्के होते हैं वर्ड, अचानक से लंबा उड़ना शुरू कर दें तो उसका नुकसान ये होता है कि जब बर्ड लंबा जाना शुरू कर दे शुरू की उड़ान में, तो बर्ड गुम होना या ख़राब होना, ख़राब मतलब कि लंबा जाएगा, किसी दरख्त पे बैठ जाएगा, बिल्डिंग पे बैठ जाएगा, तो वो फिर जल्दी आएगा नहीं, घबराएगा। अगर वो छोटे छोटे चक्कर लगा के फ़ौरन आपकी तरफ आएगा तो रिस्पॉन्स अच्छा होगा। अभी आपको बी ईटर एक ग्रीन या चिड़िया दिखाते हैं, ये उड़ के जा रही है, इसको ग्रीन बी ईटर बोलते हैं, और ये ज़मीन के अंदर नेस्ट बनाती हैं, घोंसले बनाती है, और इन्होंने सुरंग जो बनाई हुई है ये बनाई हुई है इसमें, ये डर गया, आज शहजादे ये देखिए, अजान हो ले एक दफ़ा फिर आपको दिखाते हैं इसकी प्रैक्टिस। और ज़मीन पर रख के बुलाते हैं जी, ये ज़मीन पर बिठा दिए, ठीक है, और माशाल्लाह विसल भी नहीं की, और जनाब वाक के आ गए हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी दूसरे वाला निकाल के दिखाने हैं आपको, इधर आया ठीक है, खुश हो जाते फुल अच्छी फ्लाई बगैर इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा, ठीक है। दोबारा इसको बंदा भी आ गया है हमारा वीडियो बनाने वाला, तो दिखाते हैं अभी आपको इसके और राउंड दिखाते हैं दोनों के, बंदा आ गया और रिस्पॉन्स चेक कीजिएगा, ये बर्ड को पकड़ा है, ये थ्रो किया, ये चेक करें सीधा हाथ के ऊपर, और चने की दाल है जो मैं लेके आता हूँ साथ, खुद खाता है। नंबर एक होता है कि हैंड फीड के ऊपर बर्ड नहीं है, ये देखें हथेली के ऊपर ये रखी दाल, और ये चेक करें खुद ही खा रहा है, सेल्फ फीड, यानी कि सेल्फ फीड उसे ही बोलते हैं कि जो बर्ड खुद ब खुद खाना स्टार्ट करते हैं, फिर इसको थ्रो करते हैं, और विसल देखिएगा मैं कैसे बजाता हूँ, रिस्पॉन्स
उसका आपको कैसे पता चलेगा कि बर्ड का अच्छा रिस्पॉन्स है? तो इस तरीके से पता चलेगा, देखे बर्ड को मैं छोड़ता हूँ फौरन मेरी तरफ, थ्रो करता हूँ फौरन मेरी तरफ, कहीं और नहीं है कि जैसे दरख्त की आदत किसी और चीज़ की आदत बिल्डिंग पे बैठ जाए, ज़मीन पे बैठ जाए, तो ये फोकस होते हैं। और जो ट्रेनिंग का जो तरीकाकार है कि जब मैं लेके आता हूँ फुल भूखे होते हैं, ठीक है, इस टाइम फीड करवाता हूँ ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान ही इनको फीड दी जाती है। ये नहीं है कि आप पहले इसका पेट फुल कर दें या पहले से ही इसके अंदर फीड हो तो आप बाहर ले जाएं और बाहर जाके आपका बर्ड गुम हो जाए, फिर आप कहें जी यार ट्रेन पता नहीं क्यों गुम हो गया, वापस नहीं आया, घर में ट्रेनिंग कर रहा था। तो जो चीज़ें, एक तो बाहर का उसको डर ना हो परिंदे को, और दूसरी जो बात है कि परिंदा कह लें कि फुल भूखा हो, और तभी उसका रिस्पॉन्स फुल फोकस आपकी तरफ होगा जिस तरह इसका है। ठीक है, अभी फिर ज़मीन पर रखूँगा, चेक कर लीजिएगा। ये रखा मैंने वर्ड और ये देखे, तो ये चीज़ होती है, इसकी आपने प्रैक्टिस देखी, इसका पेट फुल करते हैं और दूसरा आपको निकाल के दिखाते हैं। ये खुद खा रहा है, ये देखें, और विसल के ऊपर, ये बर्ड का विसल इसीलिए लाजमी है कि जहाँ भी दूर कहीं ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ बर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा और ना बर्ड आपको देख सकता है, तो सिर्फ एक जो आपका कम्युनिकेशन का बीच में सिलसिला रह जाता है वो एक विसल रह जाती है। विसल होगी, आपको अभी बर्ड का पता चलेगा, आप बजाएंगे, बर्ड बोलेगा, आप यहाँ से विसल करेंगे, बर्ड को पता चलेगा मुझे ऑनर बुला रहा है, वो वहाँ से बोलेगा। तो ये सबसे जो आसान तरीका और जो कि लाजमी तरीका है, ये विसल अपने मुंह की आवाज़ पे लगा लें, लाजमी नहीं है। इसका ये आसान तरीका रहता है गर्मियों में जैसे बंदे को प्यास लग जाए या विसल बजाने में आसानी रहती है, मुंह से सीटी बजाते बजाते बंदा थक भी जाता है, और इसमें जो रूटीन वाइज एक आवाज़ निकलनी मुँह से थोड़ी सी डिफरेंट भी निकल सकती कभी कभार, तो इसलिए ये विसल लाजमी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बताया, चाइना से ये मंगवानी पड़ती है, पाकिस्तान में नहीं मिलती, चाइना से इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। और चल 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 शहजादे चल खा ले, ये अब देखें खा रहे हैं, ये क्या, ये चेक करें फौरन से मुड़ के वापस, इसका वाकई जो वेट करते हैं घर जाके फुल, अभी ये जितनी खाता है खा ले, क्योंकि दूसरे को निकालना है, दूसरे की आपको प्रैक्टिस, वो भी कम, अभी फ्लाइंग करना उसने स्टार्ट किया है, यानी कि फुल फ्लायर जिसे बोलें कि नहीं हुआ, लो फ्लायर है अभी, तो इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस अभी दिखाते हैं आपको, उसका रिस्पांस भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। और ये थोड़ी सी ट्रीट खा ले अपनी, बल्कि बाकी इसको घर जाके करवाते हैं, वीडियो लंबी हो जानी है, इसको ओपन करते हैं। आ जा भाई, ये चेक करें, ये एक शहजादा है, ठीक है, इधर बैठ, और इसको ये पकड़ा है, इसको ज़रा अंदर कर दिया, अरे डोर बंद कर लेने दे, बैठ इधर, ये देखें, ये भी सेल्फ फीड के ऊपर है, ठीक है, और इसको ये बिठाया, और ये चेक करें, माशाल्लाह से कमाल, ये दो तरीके से खाता है, एक अरे इधर खड़ा हो, एक ये हथेली के अंदर भी खाता है, यानी कि हथेली पे आप रखेंगे वहां पर भी ये खाएगा, दूसरा ये मैं हाथ से भी इसको खिला देता हूँ, हाथ में दो दाने पकड़ता हूँ, ये देखें फीड कर गया, ठीक है, इसी तरीके से ये दाना पकड़ा, पूरा का पूरा दाना खा गया, ये दाना पकड़ा, ये खा गया, इसके अलावा ये दाना पकड़ा, ये खा गया, और इसको फिर नीचे रख के बुलाता हूँ, क्योंकि ये अभी स्टार्ट ही हुआ है फ्लाइंग को, तो अभी इसकी जो ब्रेक है इसको घूमने का नहीं पता, फर्स्ट डे इसको आउटिंग पे लेके आया हूँ, बाकी जो कुछ बर्ड है वो डिलीवर कर दिए गए हैं, इसी वजह से आपको अभी ज़्यादा बर्ड नहीं मिल रहे, अभी जो मेरा फोकस चल रहा है येलो पे और वाइट पे चल रहा है, और बाकी जो है डिलीवर कर दिए हुए, ये दो हैं, ये भी इंशाल्लाह जैसा कि आपने देख लिया कि प्रैक्टिस अच्छी जा रही है दोनों की, दोनों ही लाहौर जाएंगे, ठीक है, एक गुजरात भेजना है, गुजरात वाला अभी थोड़ा सा लेट है, एक चकवाल भेजना है, चकवाल वाला नामुमकिन हुआ पड़ा है, वहाँ की कार्गो नहीं मिल रही,
गाड़ी नहीं जा रही, तो वो बुकिंग थी तो उनसे कैंसिल करनी पड़नी है जो चकवाल वाली है, क्योंकि गाड़ी का इशू आ रहा है। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरात, पिंडी इजीली है। और ये फिर आपको चेक करवाते हैं जी, सेल्फ फीड पे है बच्चा, ये इस तरीके से भी खा रहा है। ये चने की दाल है, यहाँ पे रखी है, यहाँ से भी खा गया। दोनों तरीका कार पे लगाया हुआ है और रिस्पांस माशाल्लाह से दोनों का ही आपने चेक किया अच्छा है। और ये जो इनके ऑनर्स हैं वो भी देख लें, एक ही टेल पूरी है, एक ही टेल थोड़ी कम है, यानी कि बीच में से दो तीन पर गायब है। निशानी इनकी ये जिनकी बुकिंग है, अब उनको ये डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। और ये चेक करें माशाल्लाह से, शहज़ादा है ये हमारा शहज़ादा। इसी तरीके से इंशाल्लाह हम जो अपने ना वाइट रिंगनेक को ट्रेन करेंगे और येलो को, येलो भी कह लें कि तीन लाहौर जाने हैं, दो एक भाई के पास जाने हैं, अली ज़फ़र साहब, और एक का मुझे भाई का नाम नहीं पता, उनके पास एक वाइट और येलो जाना है, वो भी फ्री फ्लाइट ट्रेन ही जाने हैं। इनकी तरह जस्ट टेम जाने हैं, तीन जाने हैं, एक फैसलाबाद जाएगा, वो ओनली टेम होगा सेल्फ पीस, और दो और एक भाई के पास है, उन्होंने खुद दाना लेने के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, उन्होंने भी बुक करवाए हुए हैं। तो ये जो मेरे पास बर्ड्स होते हैं ऑलरेडी पहले बुकिंग होती है इनकी, उसके बाद डिलीवरी होती है, यानी कि जिस तरह की उनकी डिमांड्स होती है कि हमें सेल्फ बच्चा चाहिए, सेल्फ फीड पे चाहिए, या हमें फ्लाई ट्रेन चाहिए, जिस तरह के ये हैं, ठीक है। आपको ये फिर दिखाते हैं, आज सादे ये चेक करें। तो इस तरीके से फिर जिसने बुकिंग करवानी हो वो पहले करवाता है। फ्लाई ट्रेन की जो बुकिंग होती है वो तकरीबन एक महीना पहले मैं करता हूँ, क्योंकि बच्चा छोटा लेना पड़ता है ऑर्डर पे, और उसके बाद उसको बड़े होते हुए इस तरह बड़े। इनकी जो बुकिंग हुई थी कम से कम एक महीना पहले की इनकी पेमेंट्स आई हुई हैं जिनको ये डिलीवर अभी करने हैं, क्योंकि अभी ये फ्लाइंग पे हैं। वो पक्का फ्लायर है, ये अभी आपके सामने आपको बताया कि ये स्टार्ट अभी हुआ है, ठीक है, कच्ची फ्लाइंग है। इंशाल्लाह ये जैसे ही राउंड राउंड घूम के अच्छी फ्लाइंग पे आ गया, फौरन ही ये उनके ऑनर्स को डिलीवर कर देना है, ताकि वो उनके साथ भी जाके एडजस्ट हो, क्योंकि बर्ड को नए बंदे के साथ जाके एडजस्ट होने में कुछ एक डेज लगते हैं, ठीक है। उनको समझना पड़ता है, कुछ बंदे को समझना पड़ता है इनको, और कुछ बर्ड को समझना पड़ता है नए बंदे के पास जाके। तो सिर्फ समझना समझाना एक विसल का ही होता है, और ज़्यादा इसमें इशू नहीं होता, सिर्फ एक विसल की पहचान है। जिस तरह मैं विसल बजा रहा हूँ आपको पता है, यही विसल साथ मिलती हैं, यानी कि जिनके फ्लाइट ट्रेन बर्ड्स होते हैं उनको यही विसल डिलीवर की जाती हैं, ताकि अगले बंदे के जा पास जाके भी बर्ड अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करे, फ्लाई करे और मज़ा करवाए उनको। अभी जी इसका मेरे ख्याल में पेट काफ़ी फुल हो गया है, तो इसको भी करते हैं बंद और लेके चलते हैं। तो आई होप आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रैक्टिस पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।